हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत जो आपका WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे 3015 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस का भर्ती का नोटिफिकेशन आपका दिसंबर के मंथ में निकल कर आया था। तो ऑल ओवर इंडिया के हजारों छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया। फाइनली अभी इसका मेरिट को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है जो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसमें 28,000 से ज्यादा छात्रों का जो डिपार्टमेंट की तरफ से जबलपुर डिपार्टमेंट की तरफ से आपका डेटा यहां पे जारी किया गया है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और आपका यहां पे बहुत क्वेरी आ रहा था कि सर इसका मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, इसका कोई जानकारी नहीं मिल पा रहा। तो लीजिए, आपका यहां पे एक अपडेट आ गया है जिसको आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड डे टू डे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे कंटिन्यू प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो, WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है आपका कि एक्ट अप्रेंटिस 23-24 सेशन के अंतर्गत यहाँ पे टोटल 28,000 से ज़्यादा छात्रों का यहाँ पे जो डेटा है वो जारी किया गया है, जिसमें बात करें तो जबलपुर, भोपाल और कोटा का यहाँ पे सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। आगे आपको यहाँ पे क्या बताया गया विषय में अगर देखेंगे तो अधिसूचना संख्या 6/2023 एक्ट अप्रेंटिस जारी दिनांक 14/12/2023 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के चयन के संबंध में। तो आपका यहाँ पे देखिए 14 दिसंबर 2023 को जो अप्रेंटिसशिप आया था 3015 पोस्ट पे, उसका फाइनली यहाँ पे चयन के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो लेटर है वो जारी किया गया है। आगे बात करते हैं कि क्या बताया जा रहा है। देखिए, उपरोक्त विषयांगत पश्चिम मध्य रेलवे पर वर्ष 23-24 में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के चयन के लिए 3015 स्लॉट के लिए अधिसूचना 6/2023 एक्ट अप्रेंटिस दिनांक 14/12/2023 को पश्चिम मध्य रेलवे की वेबसाइट पर जारी की गई थी, जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध है। हालांकि आपको भी पता है कि 3015 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आया था जिसमें आप लोगों ने भी फॉर्म अप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया जा रहा कि इसी क्रम में एजेंसी के माध्यम से उम्मीदवारों का यूनिट वाइज डेटा ट्रेड एवं समुदायवार मेरिट के क्रम में इस कार्यालय को ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो चुका है। अतः अधिसूचना अनुसार उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन यूनिट द्वारा किया जाना है। इस हेतु एजेंसी के माध्यम से प्राप्त यूनिट वाइज डेटा ट्रेड एवं समुदायवार मेरिट के क्रम में आपको ईमेल पर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया डेटा की जाँच अपने स्तर पर करते हुए अग्रिम कार्रवाई करें। साथ ही एजेंसी द्वारा रिजेक्ट किए गए उम्मीदवारों का भी डेटा ईमेल पर प्रेषित किया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी, जैसे WCR में क्या होता है कि आपका रेलवे यहाँ पे सभी कैंडिडेट का डेटा मंगा लिया, फॉर्म मंगा लिया, अब धीरे धीरे करके वो जितने भी यूनिट रहते हैं उन सभी यूनिट को ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए जबलपुर है, भोपाल है, कोटा है, तो जो जबलपुर में जो कैंडिडेट अप्लाई किए होंगे उनका डेटा जबलपुर चला जाएगा, जो भोपाल में अप्लाई किए भोपाल, जो कोटा में किए कोटा, इस तरह करके डेटा का यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा कि उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन में अधिसूचित स्लॉट का 3 गुना बुलाए जाने हेतु प्रमुख कार्मिक अधिकारी महोदय का अनुमोदन प्राप्त है। मतलब 3 times जितना भी वैकेंसी रहेगा, मतलब जैसे 3015 वैकेंसी है तो 3 गुना कैंडिडेट को DV के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। मतलब अप्रॉक्स आपका 9000 के आसपास कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। पर अभी तो 28,000 कैंडिडेट का डेटा जारी हुआ है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेसिकली बात करेंगे कि आप जिस भी डिवीजन में, जिस भी यूनिट में फॉर्म अप्लाई किए, जिस भी ट्रेड से आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, आपका पूरा डेटा यहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। बात रहा मेरिट लिस्ट का, तो उसके बारे में हम वीडियो के आगे बताएंगे। पहले यहां पे एक-एक करके डेटा देख लीजिए कि कहां-कहां कितना फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और कितना फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं RRC जबलपुर, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जबलपुर में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए डेटा समरी ट्रेड कम्युनिटी वाइज रिपोर्ट जबलपुर डिवीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जबलपुर डिवीजन के अंतर्गत क्या अपडेट आ रहा है उसमें देखिए। तो टोटल यहाँ पे देखिएगा तो अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन, ठीक है, इसमें अगर बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे देखिए ये आपका कास्ट हो गया, यहाँ पे ELL है मतलब सभी इलिजिबल, और यहाँ पे RE मतलब रिजेक्ट। तो टोटल यहाँ पे इलिजिबल 5 कैंडिडेट का फॉर्म हुआ है और टोटल 6 कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है।
ठीक है। तो इसी तरह करके आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, चाहे आपका कारपेंटर ट्रेड हो और कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन हो और कोपा हो, इस तरह करके आप अपना यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कोपा में बात करेंगे तो देखिए, तो टोटल यहाँ पे 1348 फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और 117 फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। उसी तरह इलेक्ट्रीशियन का बात करेंगे जबलपुर के डिवीजन के अंतर्गत, तो टोटल यहाँ पे देख लीजिए 7270 फॉर्म एलिजिबल हुआ है, मतलब एक्सेप्ट हुआ है, और टोटल यहाँ पे 465 छात्रों का फॉर्म जो है रिजेक्ट किया गया है। इसी तरह अगर बात करेंगे फीटर का, तो फीटर में देख लीजिए 4181 लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और 2556 फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। टोटल अगर पूरा डिवीजन के बारे में अगर बात करोगे, ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज सारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगर वेल्डर का, वायरमैन का, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हो, पूरा डेटा आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे कि जबलपुर डिवीजन में कितना फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और कितना फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो वो डेटा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। टोटल एलिजिबल कितना है, 15424 छात्रों का फॉर्म जबलपुर में ये सभी का एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। वहीं अगर रिजेक्ट का बात करेंगे तो 1052 छात्रों का फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। तो ये अभी जबलपुर का अपडेट आ रहा। बाकी हम बात करते हैं अदर डिवीजन का। अदर डिवीजन में जैसे आपका जबलपुर के बाद हमारे पास आता है भोपाल डिवीजन। भोपाल डिवीजन में कितना छात्रों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, कितना छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए टोटल यहाँ पे बात करेंगे तो भोपाल के अंतर्गत टोटल यहाँ पे 18 ट्रेड का वैकेंसी निकाला गया था और उस 18 ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिए टोटल एलिजिबल जो है 4780 के आसपास टोटल कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल है। और रिजेक्टेड के बारे में बात करेंगे तो 363 छात्रों का फॉर्म यहां पे रिजेक्ट किया गया है भोपाल डिवीजन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारा बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहां पे डिवीजन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट डिवीजन हमारे सामने आता है कोटा डिवीजन। कोटा डिवीजन में कितना फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, कितना रिजेक्ट हुआ है, वो देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं कोटा में, तो टोटल यहां पे जो आपका एक्सेप्ट फॉर्म है 4219 एक्सेप्ट, और रिजेक्ट में बात करेंगे तो आपका 308 छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। पर अभी किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है यह भी पता नहीं चलेगा, आप अपना मेल चेक करते रहिए। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा तो आपको मेल के माध्यम से सूचित किया जा सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन हमारे सामने आता है CRWPS भोपाल। इसमें अगर टोटल बात करेंगे तो यहाँ पे मात्र 15 ही ट्रेड का वैकेंसी जो है निकाला गया था और 15 ट्रेड के अकॉर्डिंग जो आपका रिजेक्टेड लिस्ट है, एक्सेप्ट कितना हुआ है, तो एक्सेप्ट 841 है और रिजेक्ट में बात करेंगे तो मात्र 78 छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि इसमें वैकेंसी कम था तो इसीलिए कम छात्रों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई भी किया है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट आपका वर्कशॉप कोटा। वर्कशॉप कोटा के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे कितना है, 18 ट्रेड का वैकेंसी निकाला गया था, 18 ट्रेड में आपका एक्सेप्ट जो हुआ है 995 फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और रिजेक्ट के बारे में बात करें तो रिजेक्ट में आपका 74 छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं अगला डिवीजन। अगला हमारे सामने आता है हेड क्वार्टर जबलपुर, जिसमें मात्र दो ट्रेड आता है, कोपा और स्टेनोग्राफर हिंदी। अगर इसमें टोटल बात करेंगे तो एक्सेप्ट आपका कितना हुआ है, 82 फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और रिजेक्ट आपका 6 फॉर्म को रिजेक्ट हुआ है। टोटल यहां पे अगर आप समराइज करिएगा ना, तो लगभग आपका 28,000 छात्रों का यहां पे जो डेटा है वो जारी किया गया है, जिसमें से एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों छात्रों को जोड़कर ये जो डेटा आपके सामने देखने को मिलेगा। बाकी बात रहा, ये मिला लीजिएगा आप, जिस भी ट्रेड से होंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर इन्फॉर्म करिएगा। इसके साथ साथ इसका मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा, तो बहुत जल्द इसका मेरिट लिस्ट जारी होगा। मेरिट लिस्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अर्थात मेरिट लिस्ट भी इसका पब्लिक किया जा सकता है, और नहीं तो मेल के माध्यम से आपको अपडेट भी किया जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। एक बात याद रखिएगा कि टोटल 3 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा डीबी के लिए, मतलब वैकेंसी आपका 3015 है, तो 3 टाइम से लेंगे तो आपका 9000 के आसपास टोटल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा था और आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। जैसे ही कोई भी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का अपडेट आता है, एएलपी का अपडेट आता है, टेक्नीशियन का अपडेट आता है, ग्रुप डी भर्ती का अपडेट आता है, हर पल का अपडेट आपको सबसे पहले हम प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करते हैं। जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, डियर फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।